अपनी शॉप पे बहुत टाइम के बाद शायद अकेले को पीट देते हैं यहाँ पे। हमारे पास पहले एक होता था, इधर देखो, इसको देखो, चल 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 आगे, बंदर देख कितने। ओहो, अब मैं ओला करूंगा क्योंकि सच नाम काटे हैं लकड़ियां और मुझे देखो हमारे घर का व्यू कैसा दिखता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और आज इतनी ज़्यादा ठंड ना, आपके भाई का मन ही नहीं कर रहा था आज बाहर निकलने का, बट जैसे तैसे करके हल्की सी धूप निकल गई। सुबह तो बहुत ही ज़्यादा बारिश लग रही थी, अभी धूप निकली तो सोचा यार बाहर निकल जाएं, क्योंकि बैठे बैठे तो व्लॉग बनने वाला है नहीं, बाहर निकलना ही पड़ेगा व्लॉग बनाने के लिए आप सभी के लिए। और आज देख लो पूरी रात बारिश रही, जिसकी वजह से मौसम कितना प्यारा हो गया ना। ये देख लो गाइस कितना प्यारा मौसम हो गया है, अभी हल्की सी बारिश रुकी है इसलिए हल्के से बादल, नहीं तो पूरा सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था। और अभी गलाधार तो अभी भी नहीं दिख रहा, ये देख लो यहाँ पर भी बहुत बर्फ़ हुई है। और इस वाली साइड पे, इससे पीछे जो देसा वाली साइड है वहाँ पे तो पूरा वाइट ही वाइट हो गया, बट यहाँ पे स्नो नहीं आई इस बार। जॉय चल फिर अंदर आ जा। अभी मैं और जॉय लकड़ियाँ काट रहे थे क्योंकि सर्दियाँ हो रखी हैं, अब से हमने तंदूर वगैरह भी जलाना है, तो जो भी सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं वो काटनी है। जॉय काट ले, फिर काट लकड़ियाँ, उठा ले उठा ले शाम। जितना वेट इस कुल्हाड़ी का होगा उतना जॉय का होगा। गुड गुड गुड, निकाल ले इसे बाहर, निकाल ले शावर, निकाल। ए, 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 ए। नहीं निकलने वाली, चल मैं काटता हूँ चल। तो हाय गाइस, मेरा नाम है प्रणव, अब मैं ओला करूँगा क्योंकि सच नाम काटे हैं लकड़ियाँ और मुझे जाना है छोटे नन की दुकान पे धान का घास लाने, जिससे हम चकले बनाते हैं। तो जब चकले बनेंगे तो वो भी आपको दिखा लेंगे वीडियो में, और वीडियो में बने रहिए आगे तक, आगे बहुत चीज़ें हैं। और लाइक कर लो वीडियो को और कमेंट करो कि कौन अच्छे व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग वाले भैया कि मैं। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं धान की घास लाने जा रहा हूँ, व्लॉग मैं नहीं करना है क्योंकि ओला वाले भी लकड़ी काट रहे थे, तो मैं जाता हूँ और उधर आपको दिखाऊँगा कि कैसा धान का घास, और आते हुए भी वीडियो बनाऊंगा। इस देखो हम छोटे नन की दुकान पे पहुंच गए हैं और ये है हमारा घास जिसे चकले बनने हैं, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ से देखो हमारे घर का व्यू कैसा दिखता है, तो शायद आपको सचिन हमने दिखा लिया होगा पर अगर नहीं देखे तो देखो, और घर के पार पहाड़ी पे देखो क्या ही व्यू है। तो गाइस आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी आपसे एक ही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दो इस वीडियो को, ताकि व्लॉग वाले भी बोले कि मैं अच्छे व्लॉग बनाता हूँ, तो प्लीज़ गाइस। तो गाइस जो मैंने आपको बीच में बोला था चिनार के पत्ते जैसा पत्ता था उसका, और उसको आप सफेदा ही बोलते हैं, हाँ जिसका चिनार के पत्ते जैसा पता था। नहीं वो चिनारी उधर, हाँ वो चिनारी, तो मुझसे गलती होगी, वो चिनारी था वो सफेदा नहीं था, तो सॉरी इस चीज़ के लिए। लो गाइस इतनी सी लकड़ियाँ भी काट दी जब तक पन्नू घास लेके आता, और यहाँ पे देख लो जॉय ने दोबारा से टॉम एंड जेरी बाहर निकाल दिए हैं। अभी हल्की सी धूप निकली थी फिर से चली गई, यही है यहाँ का सीज़न ही अभी है। क्या बोला था? अच्छा चमो जेरी। और ये देखो हमारी बी हाइव, इसको मैंने ऐसे ढक के रखा हुआ है ताकि ये और ज़्यादा भारी ना हो जाए। अब आप मुझे बताओ ज़्यादा क्यूट कौन सा है, टॉम या जेरी? ये आ गया टॉम, ये जेरी वाइट वाला जेरी हमारा। टमो जेरी कम बॉयस, चलो चलो फिर से हल्की हल्की बारिश लग रही है। हेलो गाइज, टमू आज टॉम भी ब्लॉगिंग करेगा हमारा। टॉम आई बोल दे सबको, इधर देखो, इसको देखो, इसको ये देखना, ये देखो जय बताओ अच्छा कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा, अच्छा कौन सा है? ये वाला जेरी। टॉम को देखो ठंड लग रही है, कांप रहा है, इसको भी ठंड लग रही है। चलो डाल दो इनके दोनों को अंदर। ए माइक दे दे, माइक दे दे, माइक दे दे, खतरनाक ब्लॉगर। एक मूंछ भी आ गई इसकी बार माइक के साथ। गाइस ये देख लो कितने ज़्यादा बंदर हमारे खेत में आ गए हैं, ये देखो ये वो देखो कैसे देख रहा है, जैसे जैसे कोई डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है। पहले पहले डरते थे, अब इतना झुंड बड़ा हो गया ना, अब डरते भी नहीं है, वहाँ से डराता है। ये देखो कैसे देख रहा है, वहाँ से डराएगा, वहाँ से डराएगा, डरने की जगह खुद हमें डराता है वहाँ से। पत्थर नहीं मारना, चलो चलो घर पर चलो शाबाश। मौसम फिर से साफ हो गया है, इस साइड तो बहुत अभी भी पूरी धुंधी धुंध है, चलो शाबाश। पहाड़ों में ये मुसीबत बहुत देखने के लिए मिलती है, ये देख लो कुछ, ये क्या रखेंगे ये वाले, कुछ भी नहीं रख सकते, ये कुछ भी नहीं। अभी कुछ सब्ज़ी वगैरह कोई कुछ नहीं है, कोई फल फ्रूट नहीं है, बट फिर भी आके घरों में से जो सुखाने रखा है किसी ने, कोई कुछ भी, तो सब ले जाते हैं। ये देखो
इतना बंदर हो ना तो कुछ नहीं हो सकता यार। ओह 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 भाई साहब। गाइस इन बंदरों ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया हमें, कोई भी सब्ज़ी लगने नहीं देते यहाँ पे। सोच लो हम प्याज इतने ऊपर जाके लगाते हैं ना, अब क्या बताऊँ, ऊपर ब्लू कलर का घर दिख रहा है, इससे भी डबल ऊपर जाके हम प्याज लगा रहे हैं आजकल। यहाँ पे लहसुन लगाया है घर के आसपास, क्योंकि लहसुन वगैरह जो है ये खाते नहीं है, वही बोलते हैं ना, पर अदरक है वो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बट ये लहसुन भी नहीं खाते, अदरक छोड़ो लहसुन भी नहीं खाते, बट प्याज है ना, प्याज सफ़ा चट कर लेते हैं। बाकी कोई भी चीज़ हो, जैसे कड़म हो गई और कुछ भी हो ना, उसको ये सफ़ा चट कर लेते हैं। तमू कम्बोय, ये हमारे शेर बनेंगे जो हमें इन बंदरों से निजात दिलाएंगे। ये शेर हैं वो, ये वो शेर हैं। इस पर दो मैं इसलिए लेके आया था गाइस, क्योंकि दो जो होते हैं ना, पेयर जो रहता है इनका, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, अकेले को पीट देते हैं यहाँ पे। हमारे पास पहले एक होता था, उसका नाम शायद था, क्या था पत्नी, मोती था क्या था उसका नाम, उसको पीट भी दिया था बंदरों ने एक बार। जोय जोय जोय। और इसका काम देखो, अभी ये स्कूल से वापस आए, इसको एक घंटा हो गया है, एक बात बट अभी तक इसने यूनिफॉर्म नहीं खोली। यार आपको शर्म नहीं आती है, एक बात 10 व्लॉगों में बार बार बोलती हूँ, संदीप आया, बैट उठाया मैंने, बैट, ये बैट है, ये देख लो, मतलब और क्या बोलूँगा, जब ये यूनिफॉर्म एक घंटे तक नहीं खोलेगा तो क्या ही बोलूँगा मैं। ये देखो यहाँ पे भी बंदर हैं, इस साइड भी बंदर हैं, कुछ नहीं है, पूरा खेत सूखा पड़ा हुआ है, बट फिर भी इन बंदरों ने कुछ नहीं रखा हमारा। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं अपने स्टेशन पे मम्मी को छोड़ने, मम्मी आज जा रहे हैं शिव प्याले में, जिसकी धाम कल मैं कर रहा था ना, उसी प्याले में हम नहीं गए, मम्मी जा रहे हैं, पीछे भी घर पे कोई ना कोई होना ही चाहिए। तो ये लो पहुंच गए हम अपने स्टेशन पे, इवन कि हमारे पास खुद की रोड है, अपने घर के साथ में रोड है, बट फिर भी वहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाती, ब्लैक टॉप नहीं है अभी वहाँ पे, और आज बारिश भी हुई है, पूरी रोड ख़राब थी, परसों मशीन ने ठीक की थी बट आज चीकड़ी चीकड़ थी उन पर। चलिए गाइस मम्मी को भी पहुंचा दिया, अब निकलते हम घर के लिए। और ये देखो यहाँ पे हमारी देसी सौंफ बिल्कुल रास्ते में बनी हुई है, प्योर देसी। लो गाइस पहुंच गए हम अपनी शॉप पे, बहुत टाइम के बाद, शायद 15-20 दिन के बाद ही आया हूँ। हेलो गाइस, ये तीनों के तीनों बंदर यहाँ पे कर क्या रहे थे तुम लोग? चलो भाई किचन की हालत देखते हैं, मुझे नहीं लग रहा ढंग की रखी होगी उन्होंने। बर्तन ये देखना, मतलब चटनी, ये गलत बात है, साइडो साइडो, सब ठीक है। ओके ये क्या, इसमें क्या, ये चटनी इसके ऊपर, ये क्या कर रहे हो तुम? ये वो पर आर्मी वालों के लिए, ये क्या बोल सकते हैं यार, संदीप ने इसकी हालत खराब करके रखी है शॉप की। और हमारे एक्वेरियम का हाल देख लो, बट हमारी जो तीनों की तीनों फिशेज हैं सेफ हैं, और पानी भी गुनगुना सा है। बाकी लकी बैम्बू देखो हमारा कितना अच्छा ग्रो कर रहा है यहाँ पे, ये वाला दूसरा वाला सड़ गया यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ आज इनको घर ले चलें, क्या बोलते हो, क्या बोलती है पब्लिक, ले चलें घर इनको? ना, चलो ठीक है। चलिए गाइस आज गाय से दूध भी हम ही निकालने वाले, क्योंकि मम्मी आज गए हैं प्याले में, और अभी लाइट भी नहीं है, अंधेरा ही है। चल कांगड़ी दे लेके मम्मी को, चल चल। आज संदीप ट्राई करेगा, तुझे लाइट जरूरी है क्या? चल शाबाश, कहाँ से घुसेगा संदीप? घुस जा। ये देखना गाइस संदीप ने दूध निकाला है, शर्म आनी चाहिए इसको, अब मैं निकालता हूँ। देख रहे आप, आज मामू निकाले हैं दूध, संदीप मामू तो निकाल नहीं पाया, बस कर गया, पर मामू पे ही भारी है, क्योंकि छोटी नानी आज जोड़ा प्याले में गए थे तो सचिन मामू दूध निकाल रहे हैं। चलिए गाइस गौशाला वाला काम भी कम्प्लीट हो गया, दूध भी निकाल दिया, घास भी डाल दिया, अब टाइम है चिकन का। चिकन बना दिया, सारे डाल दिए इसी में, कोई तंदूर शंदूर के लिए कोई कुछ? मुझे लग रहा था मैं थोड़ा सा तंदूर टाइप में बनाऊंगा, बट इन्होंने रखा ही नहीं, सारा का सारा डाल दिया। और इसको देखो, इसकी मस्ती देखो, हाँ टॉम एंड जेरी, इनको भी खुशबू आ गई अब चिकन की, कब से गर्दन बाहर निकाल के बैठे हुए हैं, क्या खा रहे हो तुम? ये देख लो गाइस चिकन भी रेडी कर दिया, जब तक हमने गाय का काम किया, और आग पे बन रहा है सिंपल पहाड़ी चिकन, कोई ज़्यादा कुछ नहीं, मसाला वगैरह कुछ नहीं, सिंपल सिंपल चिकन तो बन गया गाइस। अब टाइम है हमारे मोमोज खाने का, जो कि इनको देखो पूरा भून दिया, जैसे ना वो बनाते ना, जल गया ये पूरा,
बट फिर भी हम इसको ट्राई करेंगे। देना मुझे चटनी, पर चटनी देना वाओ गरम है बट ये देखो धुआं निकल रहा है। सही है कसम से ये सही है इतना। देना पर मुझे टोमेटो सॉस देना। ये यहां से लो।